हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आरओ एआरओ की तरह ही अब यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में भी नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा दिन एग्जाम होगा। शिफ्ट में एग्जाम पहले भी होता था, लेकिन अब एक से ज़्यादा दिन होगा। 27 अक्टूबर को होना था, तो 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को होगा। तो इससे फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में या किसी दिन एग्जाम जो है वो पेपर ईजी आएगा, किसी दिन टफ आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उससे फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसके लिए एक बार आखिरी बार प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी ऐसे हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है, या आपको लग रहा है कि हाँ इससे एक नई प्रॉब्लम होगी, यूपीपीसीएस में कम से कम ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो आज 23 सितंबर को सुबह 11 बजे मैटर टेलीग्राम पर अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल जो है वहाँ पर मैंने भेज दिया था कल रात में। आयोग की मेल भी मैंने भेज दी थी। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे आपको वहाँ पर मेल करना है। मैं भी अपनी तरफ से कर दूंगा, आप भी अपनी तरफ से करें अगर आपको दिक्कत है तो। ये एक आखिरी प्रयास है, एक आखिरी मौका है। अभी चीज़ें 100% श्योर नहीं हुई हैं, अभी वो चीज़ अंडर प्रोसेस है, अभी वो चीज़ चल रही है, उसको अभी भी बदला जा सकता है, वो चीज़ अभी भी हो सकती है अगर आयोग चाहे तो, अगर सरकार चाहे तो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, तो आप कम से कम अपनी बात को, अपने मैटर को आयोग तक पहुँचाइए अवश्य। तो इसलिए जो आयोग की मेल है वो मैंने वहाँ पर दी हुई है, मैटर भी आपके पास है, आपको उसको मेल करना है। हो सकता है कि आपकी इस चीज़, आपकी इन बातों का, इन चीज़ों का असर पड़े और आयोग एक बार फिर से इस चीज़ का संज्ञान ले और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आपका एक ही दिन हो, यानी कि 27 अक्टूबर को ही हो। तो इस चीज़ को लेकर के अगर आप हैं सीरियस, तो आप चाहें तो मेल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप में से हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आपको दिक्कत तो है। मैंने भी जब वीडियो बनाया था, तो उसमें से 2-3 लोगों को छोड़ करके हर व्यक्ति का यही कहना था, हर कैंडिडेट का यही मानना था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यूपीपीसीएस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एग्ज़ाम एक ही दिन होना चाहिए, वरना उससे फिर नए नए इशूज़ आगे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।